हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आ गई हूँ अपने साथ आज एक और रिव्यू वीडियो लेके। और आज का रिव्यू वीडियो जो है वो होने वाला है एक लिपस्टिक रिव्यू। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड स्मैश बॉक्स एंड उसके ट्रेवल साइज की चार लिपस्टिक्स के बारे में, जो कि कुछ ऐसे पैकेजिंग में आती है। तो मुझे सबसे पहले इसका बॉक्स बहुत पसंद आया था जब मैंने इसे देखा था, एंड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम मैं स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक ट्राई करना चाहती थी। बट इसकी लिपस्टिक थोड़ी हाई एंड है, मतलब एक जो फुल सा लिपस्टिक आती है उसका प्राइस इज 2100 एंड टू समहाउ इट वेरीज टू लाइक 2400 ऑल्सो। तो मतलब इसके अराउंड, मतलब हमारा मान लो मोटा मोटा 2000 के प्लस ही है उसकी एक लिपस्टिक। तो एकदम से ट्राई करना, और मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि लिपस्टिक अगर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो मेरे लिए, मतलब वो कितने भी अच्छे ब्रांड के लिए, मुझे इतना ज्यादा अपील नहीं करती है। इसलिए मेरे लिए पहला फैक्टर होता है लिपस्टिक खरीदते टाइम कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। इसलिए मुझे बहुत टाइम से मेबेलिन की सुपर स्टे लिपस्टिक्स बहुत पसंद है। ऑल्दो ये थोड़ा सा हैवी होती है आपके लिप्स पे, बट स्टिल आई लव देम क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है और बार बार टचअप नहीं करना होता। तो यार मैं ऐसा होता है कि हम कई बार नहीं कर पाते बार बार टचअप, तो ऐसा लगता है कि एक लिपस्टिक लगाओ और वो दिन भर बिल्कुल मतलब रह जाए, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो बस इसीलिए आई थॉट, और मैंने स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक का सुना है कि लाइट वेट है, ऑन द सेम हैंड ये जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, अराउंड वही 6-8 घंटे का लास्टिंग देती है। लिखते तो 14-14, 15-15 घंटे है, बट मुझे पता है मेरे लिप्स पे लिपस्टिक टिकती ही नहीं है, इसलिए मैं मान के चलती हूँ 7-8 घंटे का एवरेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि देते हैं। तो सबसे पहली बात की जो पैकेजिंग है, इसका प्राइस है 2200। मैंने नायका से परचेज किया है, इसपे बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं, तो आप देख सकते हो मतलब कभी ऑफर टाइम में स्मैश बॉक्स में कि मतलब ये ऑफ पे मिल जाए तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी थोड़ा सा, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप ना हमेशा जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं, स्मैश बॉक्स हो गया, मैक हो गया, या आपका बॉबी ब्राउन हो गया, या ऐसे कोई भी ब्रांड्स हो गए, उसमें हमेशा ये लोग कुछ कुछ टाइम पे ऑफर चलाते हैं, तो वो ऑफर्स को आप लोग ध्यान में रखते हुए ही परचेजिंग करना। तो इसका प्राइस है 2200 एज आई मेंशन्ड। इसमें हमें चार लिपस्टिक मिलती है और ये कुछ फाइबर टाइप का पैकेजिंग है, मतलब आप इसको रीयूज भी कर सकते हो, तो वो एक अच्छी चीज मुझे लगी बॉक्स की, आप बाद में यूज भी कर सकते हो। अब इसमें मुझे चार लिपस्टिक्स मिलती है, ठीक है। मैं बता देती हूँ सबसे पहले तो जो क्वांटिटी है पर लिपस्टिक की इट्स 0.9 ml, ऑलमोस्ट 1 ml के बराबर है। तो 4 ml की टोटल हमें मिलती है, क्योंकि इसका जो एक बड़ा पैक आता है, जो बड़ा वाला लिपस्टिक का, वो 4 ml आता है और उसका प्राइस है 2100। तो बेस्ट पार्ट यही है कि आपको चार लिपस्टिक के शेड ट्राई करने मिल रहे हैं इन द सेम प्राइस ऑफ 2100। तो अभी मैं इसके चारों जो शेड इसमें है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला शेड है, दिस वन इज मिसकंडक्ट, ओके। एंड मैंने अभी मिसकंडक्ट को ही वियर किया हुआ है, ये मेरा फेवरेट शेड है इसकी, ये चारों की रेंज में, मतलब आई लव दिस कलर, लव। आप देख सकते हो काफी, मतलब पिंक का भी शेड नहीं है, डार्कर शेड ऑफ पिंक एंड मैरून इन इसके बीच का एक शेड है, बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब आपने कोई भी, जैसे मैंने ब्लैक अटायर अभी पहना हुआ है तो इतना उठ के आता है, तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये लिपस्टिक है इसकी। उसके अलावा इसमें और 2-3 शेड्स है, उसमें से एक है बैंग बैंग जो कि रेड का शेड है। थर्ड वन इज दिस वन रोल मॉडल, दिस इज ऑल्सो क्वाइट अ गुड शेड, बहुत अच्छा शेड है ये। एंड फोर्थ वन इज दिस इज येस हनी। एक शेड का टेक्सचर आपको लिपस्टिक का मैं दिखाना चाहूंगी, तो मैं ये येस हनी ही ले लेती हूँ। और आप ध्यान से देखिएगा, इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी है और आप देख सकते हैं, एंड जैसा कि ये क्लेम करते हैं ये एक्चुअल में बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। 7 घंटे तो मैंने इसको वियर किया हुआ है मिनिमम, सुबह से लेके शाम तक। तो इसका पे ऑफ बहुत अच्छा है, कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है, एंड प्लस ट्रांसफरेबल भी बहुत नेग्लेजिबल है, वो थोड़ा सा होती है, तो दैट इज लाइक बियरेबल, तो चलता है। तो मतलब इन टोटल मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया इसका, क्योंकि जो एक सबसे अच्छी चीज इस लिपस्टिक में है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा लाइट है। मतलब सीरियसली अभी मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है। जो तो ये रहे चार शेड्स, अब मैं फटाफट से सबके स्वैचेस आपको दिखा देती हूँ।
देख लिए होंगे। आई होप आपको समझ में आया होंगे कि कलर्स कैसे हैं। इन टोटल बस इतना ही बोलूंगी कि अगर आप डार्क शेड पसंद करते हो तो मिसकंडक्ट जरूर ट्राई करो, और अगर क्या कहते हैं आप NC40 से नीचे हो तो यस हनी जो है वो आपके लिए मतलब शेड सही नहीं रहेगा, उतना उठ के नहीं आएगा। बट इन टोटल उसको भी आप थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक के साथ मिक्स करके लगा सकते हो तो वो एक बहुत अच्छा अलग लिपस्टिक लुक देगा। बट इन टोटल आई जस्ट लव दीज लिपस्टिक्स। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करें एंड यस नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे नए वीडियोस को मिस ना करो। एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर फॉलो करो क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें टिप्स ट्रिक्स बहुत कुछ उस पर डालती रहती हूँ, तो आप ताकि वो सारी चीजें मिस ना करें। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।